चैनल तो चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है। बेटर स्ट्रिंग हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है, बहुत दिनों बाद कुछ देखने के लिए मिला है इंटरेस्टिंग सा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है गिवन अ पेयर ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ, गीक्स वॉन्ट टू फाइंड द बेटर स्ट्रिंग। ठीक है, बेटर स्ट्रिंग क्या है कि दो हमारे पास स्ट्रिंग है, एक जीएफजी एंड दूसरी है जीजीजी। ठीक है, इसके कितने सब्सिक्वेंस है और इसके कितने सब्सिक्वेंस हैं। जिसके सबसे ज़्यादा सब्सिक्वेंस है, मान लो इसके फॉर एग्जांपल एक्स हैं और इसके वाई हैं। ठीक है, अगर एक्स मेरा ग्रेटर देन वाई है तो हमें क्या करना है, एस वन रिटर्न करना है, नहीं तो एस टू रिटर्न, ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई पे। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई मतलब अगर हमारा एक्स इक्वल्स वाई, अगर दोनों के सबसिक्वेंस हमारे बराबर आए तो भी मुझे एस वन रिटर्न करना है। अगर अगर एस वन के सबसिक्वेंस एस टू से ज़्यादा हैं तो भी मुझे एस वन रिटर्न करना है, नहीं तो एस टू रिटर्न करना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले समझते हैं सबसिक्वेंस क्या है। ठीक है, सबसिक्वेंस क्या है, फॉर एग्जाम्पल जी एफ जी। सबसिक्वेंस ये है यार, बढ़ते क्रम में आप अपनी लाइफ में किसी को ऐड कर सकते हैं, किसी को छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप आगे बढ़ गए तो जिसको पीछे छोड़ा आपने ज़िंदगी में, उसको दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देखना है। क्वेश्चन मतलब क्या है, मतलब ये है लाइक जी एफ जी। ठीक है, इसके अगर मुझे सब्सिक्वेंस चाहिए तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो मैं जी को ले भी सकता हूँ, छोड़ भी सकता हूँ। छोड़ता हूँ तो एक ब्लैंक आ जाएगा, ठीक है, और लेता हूँ तो जी आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने जी को ले लिया, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ए बी सी डी कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जी लिया। अब मेरा मन नहीं है कि मैं एफ़ को अपनी जी एफ बनाऊँ, ठीक है, एफ़ लगा के जी एफ बनाऊँ। तो मैं क्या करता हूँ, जी एफ को छोड़ सकता हूँ तो मैं जी को भी छोड़ सकता हूँ, ए ले लेता हूँ तो ए ले लिया। फिर मैं बी को छोड़ सकता हूँ, सी ले लेता हूँ, डी ले लेता हूँ। अब ये नहीं है कि मैं डी लेने के बाद जो मैंने छोड़े उनको ले सकता हूँ, नहीं, मैं बढ़ते क्रम में ही मुझे लेना है, जो छूट गए सो छूट गए, उनको वापस से नहीं लेना है। तो इसको कहते हैं हम सबसिक्वेंस। और सबस्ट्रिंग क्या होती है, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअसली हमें लेने होते हैं। लाइक जी एफ जी लिया तो ये कंटिन्यूअस हो गया, और जी जी मेरा क्या सबसिक्वेंस है, जी ए बी मेरा सबसिक्वेंस है, जी मेरा सबसिक्वेंस है, बहुत सारे सबसिक्वेंस है। तो यही हमें टोटल नंबर ऑफ सबसिक्वेंस निकालने हैं। चलो इसी के लिए आज हमारा पूरा प्रॉब्लम है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है समझाने में, तो चलो ध्यान से देखना, इंटरेस्ट बनाए रखना, और आज इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या। चलते हैं अपनी स्क्रीन पर, ठीक है, यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, अब देखो, एक ये है मेरा जी एफ जी, ये क्या है मेरी एक स्ट्रिंग गिवन है, ये एस वन गिवन है। एस टू हम क्या करते हैं, सबसिक्वेंस हमें निकालना है तो किसी भी एक स्ट्रिंग पे देख लेते हैं। एस वन एस टू हमें दोनों लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमें क्या करना है, काउंट निकालना है, सब स्ट्रिंग का काउंट निकालना है और दोनों के काउंट्स को चेक करना है। ठीक है, ऑब्वियसली एक फंक्शन बना रहूँगा जिस फंक्शन में दोनों स्ट्रिंग को पास करा के उनके काउंट्स निकाल लूंगा। अब उस फंक्शन में हम क्या कर रहे होंगे ये हमें देखना है। सबस्ट्रिंग समझ आ गया क्या होता है, सबस्ट्रिंग समझ आ गया। सबस्ट्रिंग अगर देखो, अगर मेरी स्ट्रिंग खाली भी है ना तो भी इसका एक सबसिक्वेंस है, क्या है, ब्लैंक, कि मैंने किसी ब्लैंक कि मैंने किसी को भी नहीं लिया। अगर मैं किसी को भी नहीं ले रहा हूँ तो वो भी एक मेरा क्या है, सबसिक्वेंस है। तो देखो यहाँ पर इसके सबसिक्वेंस कैसे बन सकते हैं, लाइक अगर मैं अभी इस स्ट्रिंग को मान लो कि ये जी एफ जी, ये सिर्फ अभी कोई स्ट्रिंग नहीं है तो एक सबसिक्वेंस है मेरे पास। अब मान लो मेरे पास स्ट्रिंग है जी, तो मेरे पास दो चॉइसेस हैं, इसको ना लूँ और इसको ले लूँ तो कितने सब्सिक्वेंस है, दो। अगर मेरी स्ट्रिंग होती है एफ तो मेरे पास क्या थे, कितने चॉइसेस हैं कि मैं कोई सी भी ना लूँ, कोई सी भी स्ट्रिंग ना लूँ तो ये भी एक सब्सिक्वेंस है कि मैंने दोनों में से किसी को नहीं लिया। ठीक है, या फिर मैं किसी एक को ले लेता हूँ, चलो मैंने क्या ले लिया, जी को ले लिया। ठीक है, या फिर मैं जी को ना लेकर क्या क्या कर सकता हूँ, एफ को ले सकता हूँ। ठीक है, या फिर मैं दोनों को ले सकता हूँ। ठीक है, या फिर मैं एफ को ले सकता हूँ या मैं दोनों को ले सकता हूँ। और इसको हटाओ, जी एफ जी हटाओ, जी एफ डी बना देते हैं इसको। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास क्या क्या चॉइसेस है, मैं तीनों में से किसी को भी ना लूँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर देख रहा हूँ सबस्ट्रिंग कैसे निकालनी। मैं क्या कर सकता हूँ, तीनों में से किसी को भी ना लूँ, ठीक है, ये भी एक मेरी चॉइस है। मैं क्या कर सकता हूँ, तीनों में से किसी को नहीं लिया तो एक ब्लैंक आ गया। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि यार चलो मैं जी को ले लेता हूँ। ठीक है, चलो मैं क्या करता हूँ, जी को ले लेता हूँ। फिर मेरा मन किया, चलो यार मैं जी को ना लेके मैं एफ़ को ले लेता हूँ। ठीक है, जी को ना लेकर मैं क्या करता हूँ, एफ़ को ले लेता हूँ। तो या फिर मैं क्या करता हूँ, जी और एफ़ दोनों को ले लेता हूँ। ठीक है, जी और एफ़ दोनों को ले लेता हूँ। या फिर अब मैंने क्या करा, डी को अगर मैं ना लूँ, डी को अगर मैं ना लूँ तो एज इट इज़ रहेगा। अगर मैं डी को ले लेता हूँ, सिर्फ डी को लेता हूँ, लाइक जी एफ डी है, मैंने क्या किया, मैंने किसी को नहीं लिया तो ब्लैंक आया। फिर अगर मैं या फिर सिर्फ जी को ले लेता तो जी आया, या फिर मैं इस पूरे उसमें से सिर्फ एफ़ ले लेता तो एफ़ आएगा, या फिर इस पूरे उसमें से मैं दो इन दोनों को ले लेता हूँ, जी और एफ़, तो ये भी एक मेरा सबसिक्वेंस है, ये भी एक सबसिक्वेंस बन गया। ठीक है, या फिर अब मैं क्या करता हूँ कि मैं दो जी और एफ और ब्लैंक सबको छोड़ देता हूँ, डी ले लेता हूँ। ठीक है, डी ले लिया, तो या फिर ये भी कर सकता हूँ, जी और डी ले सकता हूँ। ठीक
ठीक है, जी और डी ले लिया, या एफ और डी भी ले सकता हूँ, एफ और डी हो गया, या फिर तीनों को ले लेता हूँ, तो जी एफ डी हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ कितने थे, दो, यहाँ कितने, चार, यहाँ कितने, आठ। ठीक है, एक पैटर्न मिल रहा, एक पैटर्न मिल रहा। तो ये पैटर्न क्या होता है यार, बना के देखना होता है कि हमारे टोटल सबसिक्वेंस, देखो अगर हमारे सारे कैरेक्टर्स डिस्टिंक्ट है ना, लाइक जी एफ डी, जी एफ डी, अगर मेरे सारे के सारे कैरेक्टर्स डिस्टिंक्ट हैं तो मेरे टोटल सब्सिक्वेंस बनते हैं 2 की पावर n। यहाँ देखो क्या है, 1 2 3, तो जी एफ डी जब मैंने तीनों के साथ बनाया तो टोटल कितने बने, 8 बने, कितने बने, 8 बने। तो कितनी स्ट्रिंग थी, लेंथ 3 थी, तो 2 की पावर 3 क्या होती है, 8 होती है। तो इतना समझ आया कि मैं सब स्ट्रिंग्स कैसे बना रहा हूँ। ठीक है, अगर ये पार्ट समझ आ गया ना तो यार आगे का पार्ट बिल्कुल ईजी है। ठीक है, आगे का पार्ट बहुत ईजी है और क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा अगर इतना समझ आ गया। बस अब मुझे देखना है कि जब कैरेक्टर्स रिपीट होते हैं तब मेरे साथ क्या गेम होगा। ठीक है, जब कैरेक्टर्स रिपीट होंगे तब मुझे क्या करना है, तो चलो देखते हैं रिपीटिशन में कैसे करना है। इतना समझ आ गया कि यार जी एफ डी, इसके टोटल सब्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं, किसी को भी ना लो, या सिर्फ जी को ले लो, या सिर्फ एफ को ले लो, या सिर्फ डी को ले लो, या जी एफ को एक साथ ले लो, या जी डी को एक साथ ले लो, एफ डी को एक साथ ले लो, या जी एफ डी को एक साथ ले लो। ये क्या है, टोटल सब्सिक्वेंस है। ये कैसे निकाले, हर एक स्ट्रिंग से निकाले। ठीक है, पहले जी के लिए निकाला, फिर एफ के लिए निकाला, फिर डी के लिए निकाला। तो मैं क्या करूँगा, इंडिविजुअली हर एक उसके लिए निकालूंगा। इसके लिए मुझे क्या लगेगा, बिग ऑफ एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो लगेगी ही लगेगी। क्यों, पहले जी के लिए देखूंगा, एफ के लिए देखूंगा, डी के लिए देखूंगा, तो जितने कैरेक्टर्स हैं सबके लिए देखना है। प्लस इसमें अगर मैं डी पी यूज़ करता हूँ तो वो भी लगेगा। क्यों, देखो इसका एक और तरीका हो सकता था, लाइक जी एफ डी मैं रिकर्जन भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, नहीं तो डी पी यूज़ कर सकता हूँ। रिकर्जन में क्या हो जाएगा, 2 की पावर n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। क्यों, देखो क्या होगा कि अगर मैं किसी को नहीं लेता हूँ, दूसरा जी को ले लिया, तीसरा एफ को ले लिया, चौथा डी को ले लिया, किसी को नहीं लिया, फिर उसके बाद जी को ले लिया, एफ को ले लिया, तो इस तरीके से मेरा क्या होगा, रिकर्जन ट्री बनता जाएगा और सारे डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स को एक सेट में स्टोर कर लूँगा, फिर सेट का साइज़ देख लूँगा। ये हो जाएगा रिकर्जन, बट रिकर्जन से हमें नहीं देखना, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाएगी। चलो अब हम देखते हैं रिपीटिशन में कैसे काम करना है। ठीक है, तो चलो एक ऐसी स्ट्रिंग लेते हैं जहाँ पर रिपीटिशन भी हो रहा होगा। तो मैं ले लेता हूँ लाइक ए, थोड़ा डिस्टिंक्स उस पर ले लेता हूँ, ए बी सी बी ए। ये क्या ले, इसमें क्या है, मेरे रिपीटिंग कैरेक्टर्स भी हैं। ठीक है, अब देखो मैंने एक चीज़ कही थी, जब मैं अगर किसी को भी ना लूँ तो भी मेरा क्या होगा, एक कैरेक्टर तो आंसर में, मतलब एक सबसिक्वेंस तो है ही है, ब्लैंक को भी एक सबसिक्वेंस माना जाता है। तो चलो अब हम क्या करते हैं, सबसे ले सबको इंक्लूड करते हुए देखते हैं कि कितने हमारे क्या बनेंगे, यहाँ पर सबस्ट्रिंग्स बनेंगे रिपीटिशन और नॉन रिपीटिशन दोनों ही केस पे। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने बोला एक ब्लैंक के लिए भी होगा। ठीक है, ये ब्लैंक है, इसका और नीचे तक थोड़ा कर लेते हैं। फिर मैं बोल रहा हूँ लाइक हर किसी के लिए मुझे चेक करना है, ए बी सी बी ए। ठीक है, हर किसी के लिए मुझे क्या करना है, देखना है, तो इसको यहाँ पर ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, जब मैं क्या करता हूँ, किसी को भी नहीं लेता हूँ तो एक ब्लैंक मेरे पास आएगा। ठीक है, ठीक है, अभी मेरी स्ट्रिंग क्या है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर पूरी स्ट्रिंग बना रहा हूँगा, यहाँ पर क्या है, स्ट्रिंग बना रहा हूँगा। ठीक है, अभी मेरी क्या है, स्ट्रिंग ब्लैंक है कि मैंने अभी किसी को भी नहीं लिया, किसी को भी नहीं लिया तो कितना सब्सिक्वेंस हुआ, मेरा 1 हुआ। ठीक है, कितने सब्सिक्वेंस हो गए, 1 हो गए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, ए, ए मेरी क्या है, स्ट्रिंग है, धीरे धीरे करते ये पूरी स्ट्रिंग बनेगी मेरी। ठीक है, ए मेरी क्या है, ये स्ट्रिंग है, तो ए और ए के साथ मेरे कैसे सब्सिक्वेंस बनेंगे, या तो कुछ भी नहीं होगा या ए होगा, ये दो हो सकते हैं, इसके साथ दो सब्सिक्वेंस बनेंगे, या तो कुछ भी नहीं होगा या ए होगा। ठीक है, या तो कुछ भी नहीं होगा या फिर ए होगा। ठीक है, इतना समझ आया, ये मेरे इसके साथ कितने बने, 2, यानी कि 1 × 2 2 बन गए। अब देखो बी के साथ अब क्या करते हैं, दो स्ट्रिंग ले लेते हैं, मतलब दो कैरेक्टर्स की। अब ए और बी सब्सिक्वेंस देखो, कंटिन्यूसली बताया था ना, आगे बढ़ते हुए हमें या तो ले सकते हैं या तो नहीं ले सकते हैं। अगर मैं किसी को भी ना लूँ तो एक ब्लैंक होगा, अगर मैं किसी को भी ना लूँ तो एक ब्लैंक होगा, और इन तीनों में से या तो मैं सिर्फ ए को ले सकता हूँ, या सिर्फ बी को ले सकता हूँ, या ए बी को ले सकता हूँ, तो मैं या तो ए को ले सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो थे ए वाले कैरेक्टर्स आ गए, यहाँ पर देखना कि पिछले वाले रिपीट हो रहे हैं, यहाँ तक तो ए तक का आ गया कि किसी को भी नहीं लिया और सिर्फ ए को ले लिया। अगर मैं बी को भी लेता हूँ तो क्या हो सकता है, देखो मेरे कितने पॉसिबिलिटीज थे, ये और या तो सिर्फ ए ले लिया, या फिर बी ले लिया और ए और बी दोनों ले लिया। अगर मैं बी को इंक्लूड कर रहा हूँ तो इसको यहाँ पर अलग से लिख लेता हूँ कि अगर मैं बी को इंक्लूड कर रहा हूँ तो बी को इंक्लूड करते वक्त मेरी कितनी सब्सिक्वेंस बन सकती है, बी और ए बी। ए को इंक्लूड करते हुए कितनी सब्सिक्वेंस बन रही थी, ब्लैंक और ए। बी को इंक्लूड करते हुए कितनी सब्सिक्वेंस बन रही है, बी और ए बी। ठीक है, इतना समझ आया।
तो मतलब जब मैं आगे बी बढ़ रहा हूँ तो मतलब ए तक की सब्सिक्वेंस तो मुझे लेनी ही लेनी है, फिर बी को अगर इंक्लूड कर रहा हूँ तो कौन कौन सी बन रही है, ये बन रही है। तो बी को इंक्लूड करते हुए क्या क्या बना मेरा, ये ए फिर बी और ए बी, ठीक है, बी को इंक्लूड करते हुए इतना बना। अब मुझे सी को देखना है कि यहाँ तक अभी मैंने सी को इंक्लूड नहीं किया है। अब मेरी स्ट्रिंग क्या है, अब मेरी स्ट्रिंग है ए बी सी, ठीक है, अब मेरी स्ट्रिंग है ए बी सी। अब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है, पहले ए बी तक का निकाल दे, लाइक अगर मैं किसी को भी ना लूँ तो ये, सिर्फ ए को लूँ तो ये, और सिर्फ बी को लूँ तो ये, और दोनों को ले लेता हूँ ए बी, और अगर मैं सी को लेता हूँ तो सिर्फ सी, और सी का किस किस के साथ बन सकता है, ए सी के साथ बन सकता है और बी सी के साथ बन सकता है, ठीक है, सिर्फ सी, फिर ए सी के साथ बन सकता है और बी सी के साथ बन सकता है, और कोई बन सकता है, और एक तीनों ले सकता हूँ, ठीक है, ये चार मेरे सी को ऐड करते हुए होंगे। मतलब देखो यहाँ पर कितने, तो यहाँ पर कितने हुए चार। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या थे कि बी, सिर्फ बी तक के ए बी, ये ब्लैंक ए बी ए बी, अब सी को भी इंक्लूड कर रहा हूँ तो क्या बन जाएगा, सी ए सी आ जाएगा, फिर बी सी आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ तक देखो तीनों कैरेक्टर्स क्या थे, डिस्टिंक्स थे, ए बी सी, तो क्या चला 1 2 4, और यहाँ पर कितने हो गए टोटल, एट हो गए, ठीक है, एट हो गए। इसको थोड़ा सा स्पेस बढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर और कैरेक्टर्स की मुझे ज़रूरत पड़ रही होगी। यहाँ तक ए बी सी का तब का क्लियर है, यहाँ पर पॉज करके दोबारा से देख लेना भले ही कि हम कर क्या रहे हैं, कि हम सारे क्या कर रहे हैं, सारे सबसिक्वेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब मेरा क्या है, ये सब मेरे क्या हैं, डी पी हैं, ठीक है, डी पी का साइज़ है, अभी मैं बताऊँगा, अभी शुरू में नहीं बता रहा है, यहाँ पर सब बना रहे हैं, ठीक है, ए का हो गया, ए बी का हो गया, ए बी सी तक का हो गया सबसिक्वेंस, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमारा ए बी सी बी, ठीक है, ए बी सी बी तक के बनेंगे, यहाँ पर एट बने। अब देखो बी तक, यहाँ से पहले के टोटल कितने हैं, सब लिख लेते हैं, ये ए बी सी से कितने बने, ठीक है, ए बी सी से मेरे कितने बने, ये बना ये बी ए बी, फिर क्या बना सी ए सी बी सी ए बी सी। अब देखो अगर मैं इस, अब यहाँ तक के हो गए, अब मैं सिर्फ इस, अब इस बी को इंक्लूड करा तो अब मेरे कौन कौन से सबसिक्वेंस हो सकते हैं, कि कुछ भी ना लूँ, ए ले लूँ, ठीक है, ए बी ले, सिर्फ बी ले लूँ, सिर्फ सी ले लूँ, सिर्फ बी ले लूँ, तो ये बी और ये बी क्या हो गया, रिपीट हो गया। तो यहाँ पर कुछ क्या होंगे, माइनस होंगे क्या, जो सिर्फ बी को यूज़ करके बन रहे थे उनको हमें क्या करना होगा, देखना होगा, ठीक है, चलो अभी देखते हैं टोटल कितने बन पा रहे हैं। देखो यहाँ तक तो थे जो अब तक मैंने सी के साथ इंक्लूड करे, अब क्या होगा अगर मैं इस बी को इंक्लूड करता हूँ, तो या तो सिर्फ मैं इस बी को इंक्लूड कर सकता हूँ, या इस ए के साथ इस बी को ले लिया, या इस बी के साथ इस बी को ले लिया, ठीक है, या इस ए बी के साथ ए बी बी हो गया, ठीक है, या इस सी के साथ बी को इंक्लूड कर दे, इस ए सी बी बना दे, बी सी बी बना दो, ए बी सी बी बना दो। यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे हैं, बस पिछले जितने भी कैरेक्टर्स के कैरेक्टर्स थे उनके साथ बी को इंक्लूड करके यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपना सब्सिक्वेंस बना के देख रहे हैं। अब देखो यहाँ पर रिपीटेटिव रिपीट कौन कौन से कर रहे हैं, बी और बी आपस में रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, ए बी और ए बी आपस में रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, और कोई सा है यहाँ पर जो रिपीट कर रहा है, और कोई सा यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा, तो यानी ये कितने होने थे, ये 16 होने थे, लेकिन कितने रिपीट कर रहे हैं, दो रिपीट कर रहे हैं, कितने रिपीट कर रहे हैं, दो रिपीट कर रहे हैं, तो कितने हो गए, 14 हो गए। अभी यहाँ पर मैं फॉर्मूला नहीं बताऊँगा क्या बन रहा है, ठीक है, अभी यहाँ पर मैं फॉर्मूला नहीं बताऊँगा क्या बन रहा है, अगले वाले कैरेक्टर पे बताऊँगा, ठीक है, अगले वाले कैरेक्टर पे इसका कैरेक्टर एसेसिनेशन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, अब यहाँ पर आएगा ए, ये कितना, ए बी सी बी ए, ठीक है, ए बी सी बी ए, तो इसके लिए भी एक बड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, ठीक है। अब ये जितने कैरेक्टर्स थे ये तो सब आएंगे ही आएंगे, देखो यहाँ पर ये एक बार रिपीट होगा, ठीक है, दो बार नहीं होंगे, ये बी और ए भी हट गए कि एक बार तो उनको लेना ही लेना है, ठीक है। तो देखो इस ए से पहले पहले कितने बन चुके हैं डिस्टिंक्स, ये ए बी सी ए सी बी सी ए बी सी, फिर बी 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 ए बी बी और सी बी ए सी बी बी सी डी एंड ए बी सी डी ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, ये कितने हैं, ये 14 है। अब यहाँ पर क्या बनने चाहिए, हर बार 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर बनने चाहिए हमारे एक्चुअल में 14 × 2 यानी कि 28 आने चाहिए, ठीक है, यानी कि कितने आने चाहिए, 28 आने चाहिए, देखते हैं यहाँ पर 28 आएंगे नहीं आएंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मैंने इस ए से पहले पहले ले लिया, अगर अब मैं इस ए को भी इंक्लूड करता हूँ तो हर उसमें क्या हो सकता है, ए इंक्लूड हो सकता है, मान लो देखो ए बी, अगर मैं यहाँ सी इंक्लूड कर रहा था तो ए बी वाले जो थे, ए बी बी ए बी, ठीक है,
जो सी वाले थे बस इसमें क्या है? इंक्लूड करना था सी ए सी बी सी ए बी सी, मतलब इसको इंक्लूड करना है, या तो इसको अकेले ले लो या इसको इसके साथ ले लो, या इसको इसके साथ ले लो, या तीनों को एक साथ ले लो। तो बस इसमें क्या करना है, इस ए को हम क्या कर सकते हैं, तीनों के साथ लिख ले सकते हैं। तो क्या करना है, सी अब ए सी बी सी ए बी सी 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 ए सी सी बी सी सी ए बी सी सी बी सी ए बी बी सी सी बी सी, हर किसी के पीछे बस क्या लगा दो, सी लगा दो, बी सी डी सी ए बी सी डी सी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो रिपीट कौन कौन से कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखना है अब रिपीट कौन कौन से कर रहे हैं। यहाँ सी है, यहाँ सी है हटा दो, यहाँ ए सी है, यहाँ ए सी है हटा दो, यहाँ बी सी है, यहाँ बी सी है हटा दो, यहाँ ए बी सी है, यहाँ ए बी सी है हटा दो, यहाँ बी बी, अब क्या है, अब और कोई सा रिपीट हो रहा है, ए सी सी कहीं है नहीं, बी सी सी अब क्या है, रिपीट नहीं हो रहा। तो कितने घटे इसमें, चार घटे। कितने होने थे, 28 होने थे, लेकिन 28 कम चार कितने हुए, 24 हुए। अब देखो हम एक्चुअल में घटा किसे रहे हैं, जब मुझे यहाँ पर क्या हुआ, मेरा बी क्या हुआ, यहाँ पर रिपीट हुआ, यहाँ पर बी मेरा क्या हुआ, रिपीट हुआ। जब मेरा बी रिपीट हुआ, ये एक्चुअल में कितने होने थे, 16। तो मुझे इसमें से कितने माइनस करने पड़े, इससे पहले बी की वजह से कुछ जो हुए मेरे रिपीट हुए। ठीक है, ए बी सी बी, ये जो आया मेरा, अगर ये बी ना आता तो सारे डिस्टिंक्ट थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब ये बी आया तो इसकी वजह से एक ये दोबारा बना। ठीक है, अगर इसके मिलते, इससे मिलते हुए जो कैरेक्टर्स थे, यहाँ पर एक चीज़ समझो, यहाँ पर एक चीज़ समझो, लाइक क्या है ये ए बी सी बी, तो ये ए आया, बी आया, ए से मिलते हुए कितने थे, ए और ये, मतलब ब्लैंक और ए, तो ब्लैंक और ए ने बी के साथ, इस बी के साथ जो बनाए वही इस बी के साथ भी बनाएगा। ठीक है, ब्लैंक और ए ने इस बी के साथ ऐड करे तो वही चीज़ इस बी के साथ भी ऐड होगी, और सिमिलरली ए बी सी बी सी, तो ए बी सी जो ए बी ने इस सी के साथ बनाए वही ए बी इस सी के साथ भी बनाएगा। ठीक है, ए बी ने इस सी के साथ जितने सब्सिक्वेंस बनाए वही सी इस सी के साथ भी बनेंगे। तो मुझे एक बार तो माइनस करना पड़ेगा ना, इस सी से पहले जितने हैं और इस सी से पहले जितने हैं, किसी के तो माइनस करने पड़ेंगे। तो जो मैं न्यू बना रहा हूँ उसमें तो न्यू बनेंगे, तो जो प्रीवियसली बन चुके हैं उनको मुझे माइनस करना पड़ेगा। ये चीज़ समझो अच्छे से कि मुझे एक्चुअल में क्या करना है। लाइक ये ए था, ठीक है, ये ए था और इस ए ने इस बी के साथ बनाए, तो इस ए ने इस बी के साथ बनाए तो बना ये। ठीक है, और इसी ए ने इस बी के साथ भी बनाए, इसी ए ने इस बी के साथ भी क्या बनाए, बी और ए बी दोबारा बनाए, तो ये चीज़ रिपीट हुई है, तो ये चीज़ रिपीट हुई है, तो मुझे कौन से माइनस करने पड़ेंगे, जो पिछला इंडेक्स है बी का उसके पहले वाले कैरेक्टर ने जो बी के साथ बनाए थे उनको मुझे क्या करना होगा, माइनस करना होगा। मतलब ये बी रिपीट हो रहा है, अगर ये बी रिपीट हो रहा है तो मुझे ट्वाइस तो करना है, ट्वाइस तो मैं हर बार करूंगा, 16 होगा। अब उसमें से मुझे माइनस क्या करना है, उसमें से मुझे माइनस करना है कि इससे पहला पहला इंडेक्स क्या था, बी का ये था, और इस इंडेक्स से पहले वाले ने कितने कैरेक्टर्स बनाए थे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बी ये है, ठीक है, ये क्या है, बी है। अब इसको हटाता हूँ यहाँ पर, इसको मिटाता हूँ, बस 2-3 मिनट और ये हो गया। ठीक है, बस 2-3 मिनट और ये हो गया। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, मेरा ब्लैंक है। अब मैं मेरा डीपी डिक्लेयर करता हूँ मैं, ठीक है, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स का साइज़ है 0, 1, 2, 3, 4, और डीपी का साइज़ क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5। क्यों, एक ब्लैंक के लिए भी मुझे क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। ब्लैंक अगर है तो उसका भी डीपी क्या है, 1 है, उसके लिए भी क्या है, 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर ए है, ठीक है, अगर ए क्या है, डिस्टेंस क्या, ए इससे पहले आ चुका, एक मैं मैप लेके रखूँगा यहाँ पर। अब उससे मुझे क्या समझना है, मैप, यहाँ पर एक मैप है मेरा, ठीक है। अब मैप में देखेगा क्या ये ए पहले आ चुका है, नहीं आ चुका है, ये पहले पहले ए नहीं आया, तो इसमें क्या कर दो, जो नेक्स्ट डीपी है उसमें प्रीवियस का ट्वाइस कर दो, तो ये कितने कैरेक्टर्स आ गए, सिर्फ ए को इंक्लूड करके ब्लैंक और ए दो आ गए, और ए को डाल दो उसके इंडेक्स पे, कि ए का इंडेक्स क्या हो गया, ए के पास इंडेक्स है 0, या फिर 1 दे दो, डीपी का इंडेक्स दे दो, कुछ भी दे दो। ठीक है, तो ए 1 इंडेक्स पे हो चुका है। अब बी आ रहा है, बी क्या है, पहले मैप में है नहीं है, तो इसके क्या कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ पर कितने हैं, 4 है, यहाँ पर कितने हैं, 2 है, यहाँ पर कितने 1 है, ठीक है, यहाँ पर कितने हैं, 8 है। तो बी नहीं था, तो बी को इंडेक्स दे दो 2, एरे का इंडेक्स क्या आ जाएगा, चलो यार स्ट्रिंग का इंडेक्स देते हैं, ए का इंडेक्स 0 है, बी का इंडेक्स क्या हो गया, 1 हो गया। अब सी आ रहा है, सी पहले मैप में आया नहीं आया, तो डीपी जो नेक्स्ट आ रहा है, डीपी ऑफ, मतलब यहाँ पर क्या है, थर्ड है और यहाँ पर क्या है, सेकेंड है, तो
उस पर इंडेक्सिंग देख लेना, ठीक है। तो उस पर क्या कर देना है, बस ट्वाइस कर दो। ट्वाइस तो मुझे हर बार करना है, ट्वाइस तो मुझे हर बार करना है, तो मैंने क्या करा, ट्वाइस करा और चेक करा, अगर वो मैप में नहीं है तो उसको क्या कर दो, मैप में डाल दो। अब देखो बी आ रहा है, तो यहाँ पर क्या कर दो, स्वैप ट्वाइस कर दो, पहले ट्वाइस कर दिया। अब देखो बी आ रहा है, तो बी क्या पहले आ चुका है, हाँ बी पहले आ चुका है, बी इससे पहले हम ला चुके हैं, तो वो देखो किस कैरेक्टर किस इंडेक्स पे आया, वो इस इंडेक्स पे आया है और इस बी ने इसके साथ मिलके ये बनाए थे। किसके साथ मिलके बनाए थे, इससे पिछले वाले इंडेक्स पे जो कैरेक्टर आया था, इससे पिछले वाले इंडेक्स पे कैरेक्टर क्या था, ए था, ए ने ही बी के साथ बनाया और ए ने ही इस बी, तो ए इस बी के साथ जो बनाएगा वो ही ए इस बी के साथ बनाएगा, तो ए ने जितने भी कैरेक्टर्स बनाए हैं उनको एक माइनस कर दो। तो ए ने कितने बनाए थे, दो बनाए थे, तो 16 माइनस टू क्या हो जाएगा, 14। और क्या यहाँ मेरे 14 थे, हाँ थे, तो मतलब मेरा एल्गोरिदम सही वर्क कर रहा है, हाँ मेरा एल्गोरिदम सही वर्क कर रहा है कि जो जहाँ पर पिछला इंडेक्स था मेरा कैरेक्टर रिपीटिंग कैरेक्टर का, उससे पिछले वाले के माइनस कर दो। अब चलो सेकंड टाइम देखते हैं, सी, सी के लिए क्या कर दो, ट्वाइस कर दो, 28, ठीक है 28 है, हाँ तो इसके क्या कर दो, 28 कर दो। अब देखो क्या सी पहले आ रहा है, और हाँ इंडेक्स क्या कर देना है, अपडेट कर देना है, इंडेक्स क्या कर दो, अपडेट कर दो। अब नया इंडेक्स क्या हो गया इसका, जो भी है मतलब 3, ठीक है। अब सी क्या आ रहा है, ट्वाइस आ रहा है, ठीक है, सी क्या है, ट्वाइस मतलब सी पहले आ चुका है, हाँ सी पहले आ चुका है, तो देखो सी पहले कहाँ आया, सॉरी ए है, ए ए पहले आ चुका है, हाँ ए पहले आ चुका है, तो देखो ए पहले कहाँ आया था, यहाँ पर देखो यार मैंने ए वाले के साथ नहीं करा है, यहाँ पर एक्चुअली मैंने सी ऐड करा है सब में, ठीक है सी ऐड करा है, तो इसको यहाँ पर मैं बस सी कर देता हूँ, सॉरी फॉर द मिसकन्वीनियंस, ठीक है यहाँ पर इसको मैं क्या कर देता हूँ, सी कर देता हूँ, तो ये क्या है, 24 ही बनेगा। तो क्या सी मेरा पहले आ चुका है, हाँ सी मेरा पहले आ चुका है, यहाँ आ चुका है, तो होने चाहिए थे 28, लेकिन अब मुझे इसमें से कुछ नंबर माइनस करना पड़ेगा, क्या कि सी पहले कहाँ आया था, यहाँ आया था, उससे पहले कितने कैरेक्टर के साथ इसने बनाया, बी वाले कैरेक्टर के साथ इसने बनाया था, तो बी वाले के साथ कितने बने थे, 4 बने थे, तो 4 को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और 24 ही मेरा आंसर है, हाँ 24 ही मेरा आंसर है, इसका मतलब हमारी एल्गोरिदम सही है। अगर समझ ना आए तो एक बार और देखना, बस हम क्या कर रहे हैं, ए बी सी बी है मान लो, तो ए ने क्या बनाया था, ये और ये, तो इस बी को जब मैं ऐड करता हूँ तो ये बन सकता है बी और ए बी, ठीक है, और अगर इस बी को ना लेकर इस बी को लेता हूँ तो बी क्या बनेगा, बी और ए बी, तो मतलब बी और ए बी तो इसके लिए और इसके लिए दोनों के लिए कॉमन है, और वे किसके साथ मिल रहे थे, ए वाले के साथ, तो इसलिए मैंने ए वाले के कैरेक्टर उसके डी बी में जो था उसको माइनस किया, ठीक है। और लास्ट में क्या रिटर्न कर देगा, इसके टोटल सब्सिक्वेंस कितने हुए लास्ट तक आने पे, ए बी सी बी सी पे 24, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। चलो अब इसके कोड को देख, अब यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, एक इंट मतलब हमने क्या बनाया, एक अपना वो बना लिया, एक मैंने अपने एक फंक्शन बना लिया जो मेरा क्या करेगा, काउंट करेगा सबस्ट्रिंग, उसमें क्या लिया, एक मैप ले लिया, मैप लिया उसके बाद अपना लेंथ ले ली जैसे जी एफ जी, ठीक है, इसके लिए क्या बनेगा ये जी, और फिर जब एफ को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये जी एफ जी एफ, और जब ये वाला जी आएगा तो फिर से क्या बनेगा, देखो कि किसी को नहीं लेंगे तो ब्लैंक, फिर जी को ले सकते हैं, फिर क्या आ जाएगा, एफ को ले सकते हैं, फिर जी को ले सकते हैं, फिर जी एफ को ले सकते हैं, फिर जी एफ जी को ले सकते हैं, तो इसमें ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, तो इसलिए मुझे इसको ब्लैंक वाले को, इसको एक को माइनस करना पड़ेगा, मतलब टोटल यूनिक कितने हो जाएंगे, जी एफ जी एफ जी एफ जी, 1 2 3 4, ये कितना होना चाहिए था, 1, चलो ठीक है। तो इस तरीके से मेरे क्या, इसको हटाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये क्या है, जी एफ जी है, ठीक है, ये मैंने कैरेक्टर ले लिया। अब इसका लेंथ क्या है, 3 है, तो मैंने डी पी का साइज़ क्या लिया, डी पी का साइज़ ऑब्वियसली मैं क्या लूँगा, 4 लूँगा, क्योंकि एक मैंने ब्लैंक कैरेक्टर के लिए छोड़ना है, ठीक है, एक मुझे ब्लैंक कैरेक्टर के लिए छोड़ना है, और इनिशियलाइज़ कर देगा 1 से, कि ब्लैंक का एक सबसिक्वेंस तो 1 है। अब मैं 1 से स्टार्ट करूँगा एन तक, क्योंकि डी पी ऑफ एन मुझे रिटर्न करेगा लास्ट में कितने सबसिक्वेंस है। ट्वाइस तो मुझे हर बार करना है, जैसे मैं कर रहा था, ट्वाइस मुझे हर बार करना है। अब मुझे वो कैरेक्टर लेना है जिस जो मैं ऐड कर रहा हूँ, मान लो अगर ये जी है, जी ठीक है, जी एफ जी है, जी एफ जी, इसका इंडेक्स क्या होगा, 0 1 2, इसके इंडेक्स क्या होंगे, 0 1 2, तो मेरा आई क्या है, 1 है, तो आई माइनस 1 पे मेरा कैरेक्टर होगा, आई माइनस 1 पे मेरा कैरेक्टर है। अब मैं इस कैरेक्टर को देख रहा हूँ, क्या मेरा ये कैरेक्टर पहले मैप में आया है, अगर मैप में आया है तो मुझे क्या करना है, कि मैंने क्या कर दिया, ट्वाइस कर दिया, अगर वो मैप में आया हुआ है तो मुझे उसके पहले जो कैरेक्टर था उसके जितने भी सब्सिक्वेंस थे उसको माइनस करना है, नहीं आया हुआ है तो मैप में इस कैरेक्टर को डाल दो, तो अभी जी मैप में नहीं आया तो जी को मैप में डाल दिया, ठीक है। फिर आया एफ, तो
एफ मैप में नहीं आया, तो जी के लिए कितने सब्सिक्वेंस हो गए, जी के लिए मेरे दो हो गए, एफ के लिए कितने हो गए, चार हो गए, ठीक है, एफ के लिए कितने हो गए, चार हो गए, तो एफ को डालेंगे फिर वन आएगा। फिर जब जी की बारी आएगी दोबारा से, तो जी मेरा ऑलरेडी क्या है, मैप में है, तो जब जी मैप में है तो वो देखेगा जी से पहले कितने सब्सिक्वेंस है, ऑब्वियसली ब्लैंक वाले के लिए होगा जी एफ जी, तो जी पहले यहाँ पर आया, इससे पहले क्या था, ब्लैंक था, तो ब्लैंक में कितने कैरेक्टर थे, वन थे, तो ये कितना होना चाहिए था, एट होना चाहिए था, तो हमने क्या करा, ट्वाइस करा उसको, एट हुआ, तो वो देखेगा कि जी से पहले जितने कैरेक्टर्स थे, क्योंकि वो रिपीट हो रहा है, तो उनको क्या कर दो, माइनस कर दो, उसको क्या कर दो, माइनस कर दो, तो एट में से कितने थे पहले रिपीटिंग, ओनली ब्लैंक था, तो उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो कितने बचे, सेवन बचे, ठीक है, सेवन बचे, और इसके इंडेक्स को क्या कर दिया, अपडेट कर दिया, इसके इंडेक्स को क्या कर दिया, अपडेट कर दिया, किस कैरेक्टर इंडेक्स पर आया, टू पर आया, ठीक है, और अब मेरा क्या हो गया, ये खत्म हो गया, ठीक है, अब मेरा क्या हो गया, खत्म हो गया, कितना है, सेवन है, जी एफ जी के कितने हैं, सेवन डिस्टिंक्ट हैं, तो सही है, बिल्कुल सही है। अब मैंने क्या करा, उसमें काउंट करा के एक्स और वाई, एक्स में ले लिया कि एक्स में पास करा है स्ट्रिंग वन, इसके सब्सिक्वेंस आए हमारे सेवन, वाई में एक्स आएगा हमारा सेवन, वाई आएगा उसमें स्ट्रिंग टू पास करा है उसमें आएगा फोर, अगर एक्स जो है लेस देन वाई है, ठीक है, अगर x लेस देन y हुआ तो स्ट्रिंग 2 हमें रिटर्न कर देनी है, नहीं तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू हुआ तो कंडीशन यही बची, उसमें हमें क्या कर देना है, रिटर्न स्ट्रिंग 1 कर देना है। इसी के साथ इसको सबमिट करते हैं। यार वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, पेशेंस रखिएगा, और सॉल्यूशन समझ आया तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, बहुत मेहनत लगती है यार क्वेश्चन को समझने में, सॉल्व करने में, फिर वीडियो बनाने में, अपलोड करने में। चलिए के साथ वाइंड अप करते हैं।